हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज फिर से आ गई हूँ आप सभी के बीच एक बहुत ही खास वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में सेहत से जुड़ी हुई भी कुछ बात है। तो सबसे पहले जो मेरा टिप्स है आज है गिलोय को लेकर। देखिए, हम सभी को कन्फ्यूजन रहता है कि गिलोय का काढ़ा किस तरीके से पीना चाहिए, किस तरीके से बनाना चाहिए, पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो सारी जो आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स है आज मैं उनका सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। देखिए, गिलोय जो होती है बहुत ही गुणकारी होती है। हम सभी देखते हैं गिलोय की अगर कोई डंडी होती है, हम उसको दीवार पर या किसी कुंटी पर टांग देते हैं तो जैसे ही बरसात का मौसम आता है उससे खुद ही पत्ते जमने लगते हैं। तो गिलोय को अमृता भी कहा गया है। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियों को दूर रखती है। गिलोय हमारी इम्यूनिटी को इतना बढ़ा देती है कि आपके आसपास चाहे जितनी भी बीमारियां हों आपको बीमारियां छू भी नहीं पाएंगी। देखिए, पहले एक सीज़न होता था बीमारियों का कि सीज़न चल रहा है, फीवर आ रहे हैं, बुखार हो रहे हैं, तो किसी एक को हुआ तो बाकी फैमिली को नहीं होता था। बट अब घर में अगर एक मेंबर को बुखार या कोई भी बीमारी हो गई तो पूरी फैमिली को होकर निकलती है। तो उससे बचने का एक ही उपाय है कि आप गिलोय का काढ़ा डेली पीजिए। तो गिलोय का काढ़ा किस तरीके से बनाना है चलिए देख लेते हैं। देखिए, हमें 3 से 4 कप गिलोय का काढ़ा बनाने के लिए कम से कम इतनी डंडी जितनी मैं आपको दिखा रही हूँ इतनी डंडी लेनी है। इसको अच्छे से धो लेना है गिलोय की डंडी को। उसके बाद आपको स्लीपर इस तरीके से कोई भी तौलिया बिछा लीजिए, कोई गीला कपड़ा बिछा लीजिए। उसके बाद जो ये चाय में अदरक डालते टाइम कूटते हैं, जिसमें अदरक कूटने वाला जो हमारा इमामजस्ता होता है, इसमें डालकर छोटे छोटे पीस, जितने आप छोटे पीस कट करेंगे उतनी ही जल्दी ये आपका जो गिलोय है कूटेगा। तो इसको अच्छे से कूट लेना है। देखिए, कूटने में थोड़ी सी मेहनत तो लगती है बट जो ताज़ी गिलोय का फ़ायदा होता है वो गोलियों से या किसी भी चीज़ से नहीं होता है। तो गिलोय हम सभी को कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। आप इकट्ठी गिलोय इस तरीके जिस तरीके से हमने लाकर रख रखी है, छोटे छोटे पीस में डंडियों को कट करके रख लीजिए और उसके बाद इस तरीके से उसको कूट कर, देखिए क्या करना है आपको, रात भर भिगो कर रख दीजिए। उससे क्या होगा, इसका गिलोय का जितना भी असर है वो पानी में निकल जाएगा और सुबह की भाग दौड़ की जो हमारी जल्दबाजी के जो काम होते हैं उसमें जल्दी से आपको काढ़ा आसानी से बन जाएगा। देखिए, गिलोय का काढ़ा जो है सुबह खाली पेट आप चाय की जगह थोड़ा सा पी लीजिए तो वो सबसे ज़्यादा फायदा करता है। देखिए, अब मैंने एक लोटे में ले लिया है पानी और उसमें गिलोय को रात भर के लिए भिगो कर रख दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको कूट के अच्छे से अब मैंने पानी में डाल दिया, अब इसे रात भर भिगो कर रख दूंगी। तो जिससे क्या होगा कि इसका जितना भी असर है वो अच्छे से पानी में ही निकल जाएगा। अब इसको इस तरीके से ढककर छोड़ दीजिए पूरी रात के लिए और सुबह सुबह आप इसको सबसे पहले अपना काढ़ा ही चढ़ा दीजिए। तो अब हम क्या लेंगे, स्टील का कोई भी बर्तन लेंगे। देखिए, स्टील के बर्तन में ही काढ़ा बनाना है और हाँ, आरओ के पानी में काढ़ा नहीं बनाना है, जो मोटर का पानी आता है हमारा ताज़ा उसमें काढ़ा बनाना है क्योंकि आरओ के पानी को उबालते नहीं है, हम सभी को पता है। इसके बाद इसमें आधा लोटा पानी और डाल देना। तो यहाँ पर 1.5 लोटा पानी मैंने डाल दिया है और अब इसको मैं पकना रख दूँ गैस पर। तो पहले फुल गैस पर आप इसमें एक उबाल आने का वेट कीजिए, उसके बाद बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर इसे पकने दीजिए 10 से 12 मिनट, जब तक कि आपका 1.5 लोटा जो पानी है वो 1 लोटा ना रह जाए। तब तक आपको इसको पकने देना है और काढ़ा उसके बाद ही आपका बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। देखिए, अब हमारे काढ़े में उबाल आ गया है। अब हम इसको छोटी गैस पर बिल्कुल सिम करके रख देंगे और अब हम अपना कुछ और काम कर लेंगे। तब तक हमारा काढ़ा तैयार हो जाएगा 10 से 12 मिनट में। और ध्यान रखिएगा, गिलोय का काढ़ा जो होता है उसको गर्म गर्म नहीं पीना है, उसको गुनगुना होने के बाद पीना है, जैसे कि गुनगुना हम पानी पीते हैं उस तरीके का। इसमें किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं आती है, कोई कड़वापन नहीं होता, ये पानी जैसा ही लगता है, आप इसको ईजिली पी सकते हैं। अगर आपकी चाय का सुबह की चाय की आदत नहीं छूटती है तो आप चाय इसके आधा घंटा बाद या 1.25 घंटा बाद चाय पी सकते हैं, बट खाली पेट आपको गिलोय का काढ़ा ही पीना है। अब देखिए, ये ढककर रख दिया है हमने। अब इसको हम ठंडा होने के बाद मैं भी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ठंडा हो गया है। तो आप गिलोय के काढ़े को जो पीना है आपको किसी भी कांच के बर्तन या कप में ही पीना है। जैसे कि कोई भी हमारी आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं तो हम उनको, आपने देखा होगा, हमेशा कप या फिर कांच के बर्तन में ही पीते हैं। तो इसी तरीके से गिलोय का काढ़ा भी कांच के गिलास में या फिर कप में आप पी सकते हैं। तो ये देखिए, ये गिलोय का काढ़ा हमारा तैयार हो चुका है। देखिए, अगर आप गिलोय के काढ़े को डेली की लाइफ में अपनी में शामिल करेंगे तो आपके आसपास चाहे जितनी भी बीमारियां घूमें आपको बीमारियां छू भी नहीं पाएंगी, ना ही आपको ना ही आपके परिवार को। तो आज की डेट में अगर स्वस्थ रहना है तो गिलोय को अपनी डेली की लाइफ में शामिल कर लीजिए और डेली सुबह, ये देखिए इतना गिलोय का काढ़ा काफ़ी है 1 पर्सन के लिए। तो आप इतना काढ़ा डेली पी सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं और अपनी फैमिली को भी बचा सकते हैं। तो आज से ही शुरू कीजिए आप भी गिलोय का काढ़ा पीना। तो चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले टिप्स की तरफ।
अगला टिप्स है मेरा फ़ोन के चार्जर को लेकर। देखिए क्या होता है कि हम जब भी कभी फ़ोन चार्जिंग लगाने जाते हैं तो देखते हैं कि अगर आसपास में कहीं स्टैंड ना हो या कोई स्पेस ना हो मोबाइल रखने के लिए, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम वही जगह ढूंढते हैं जहाँ पर हमारा मोबाइल आसानी से रखा जाए। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जगह नहीं मिल पाती है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, हमें मास्क के प्रयोग से अपने फ़ोन को चार्जिंग लगाना है। अब देखिए यहाँ पर ये बोर्ड मेरा काफ़ी ऊँचाई पर है, यहाँ आसपास में कोई स्टैंड भी नहीं है जिस पर मैं मोबाइल को रख सकूँ, तो मोबाइल को लटका भी नहीं सकते हैं। और अगर हम चार्जर के ऊपर रखते हैं तो मोबाइल के गिरने का भी डर रहता है। अगर फ़ोन बजेगा, वाइब्रेट होगा या फिर उसकी बेल बजेगी तो वो गिर जाएगा, तो इस तरीके से भी हमारा फ़ोन सेफ नहीं है। तो आपको क्या करना है, मास्क लेना है और मास्क की हेल्प से अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाना है। किस तरीके से देखते हैं, चलिए ये देखिए, मास्क को इस तरीके से चार्जर के अंदर टांग दीजिए इस तरीके से, और अब आप अपना फ़ोन चार्जिंग लगाने के बाद मास्क के अंदर रख दीजिए, तो आपका फ़ोन बिल्कुल सेफ चार्ज हो जाएगा, ना ही गिरने का कोई डर होगा और आपका फ़ोन बिल्कुल एकदम सेफ तरीके से चार्ज होता रहेगा। तो ये तरीका आप कहीं यात्रा पे जा रहे हो, कहीं ट्रैवल पर हो, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि मास्क तो अब डेली की लाइफ का एक ज़रूरी चीज़ बन गई है, तो हमारे साथ हमेशा होता ही है। तो मास्क के इस प्रयोग से आप अपने फ़ोन को आराम से चार्ज कर सकते हैं। तो ये थे मेरे आज के टिप्स और ट्रिक्स। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलती हूँ ऐसी ही एक यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।